थोड़ी वैसे मेडिकल रात को जितनी भी हमने वो किया एक दूसरे के लिए, क्या करा मतलब सबके बारे में जो हमने बैक पिचिंग की ना भाई बहुत बढ़िया आ गई थी, इतनी चुगली हमने कल रात को की, इतनी चुगली की बाद में सब कान बंद करके सो गए। चुगलखोर टीम। पर तू चुगलियां कम करा कर भाई। भाई नाम लेना चाहिए, मैं नीरू का कितने बार नाम लिया मैंने। तूने नीरू का नाम लिया? प्रभा का भी नाम लिया था मैंने नीरू को। आप जाओ। अरे तू अच्छा आप जाओ। क्लास वन से हम लोग साथ में थे स्कूल में और आज भी हम लोग साथ में, और उन्हीं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़े हैं हम इस मंजिल पे। तो गाइस हम लोग रीयूनियन के लिए वापस मिलने का प्लान कर रहे हैं और पीछे जो आप देख रहे हो इसको ट्विंकल बोलते हैं, वैसे इसका नाम नवनीत है। ये वही लड़का है जिसने बचपन में बहुत पिटाई खाई थी मम्मी से मेरे नाम से। बताता हूँ एक मिनट, पहले सामने का ये दृश्य दिखाता हूँ हम लोगों को। ये यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पे शमशान घाट भी है जहाँ पे आपको सुकून भरी चैन की नींद आएगी पहली बार और आखिरी बार। और ये देखिए सामने पहाड़, कभी हम आएंगे यहाँ पे और अपना टेंट लगा के यहाँ पे दो तीन रातें निकालेंगे। फिलहाल तो आप वो जो आपने 9 बीघा के खेत लिए थे उसमें क्यों टेंट लगा लेते हैं? नहीं उसमें नहीं लगाना है, उसमें हम अपना योगा का वो कार्यक्रम चलाएंगे। भाई अब तो बहुत सारे अब हर हर कोई कर रहा है। धरती के अंतिम छोर पे जा रहे हैं एकदम कुछ भी ठीक है यार भाई, थोड़ी नीचे होती तो फिर तो कोई नहीं। मेरे भाई फोन लगाते हैं आपको, बोले आओ भाई अपनी अपनी गाड़ियां ले आओ खेच। हे प्रभु रातिल पहले भी देखने मैं लव गया। तो यहाँ पर हम लोग कोलियन वाले इकट्ठे हुए हैं और रीयूनियन के लिए। ट्विंकल खास दौर से आया दिल्ली से शोभित के साथ और साथ में पीछे बैठे हैं ललित भाई। ललित भाई जो हैं जयपुर के राजा और इनका नाम एस राशि वाले जो है सीमा। आपको पता है ना सीमा जो होती है उसके बाद में दूसरी सीमा स्टार्ट दूसरी सीमा तो यहाँ पे रक्षाबंधन मनाने के लिए आए थे और अब हम सब लोग जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुछ खास बताएंगे सीमा जी आप? अच्छा यही तो पूछ रहे थे। और ललित भाई कैसे रही रक्षाबंधन? रक्षाबंधन बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास साहब दोस्तों साथ जा रहे हैं जयपुर तो अच्छा। ये गए मेरे तो बहुत अच्छी बात। कितना पैसा वैसा ज्यादा खर्च हो गया रक्षाबंधन में या नहीं? ये तो यार होता ही है यार, क्या गए मैं होता ही है। नहीं एक तो होता है प्यार से खर्च करना और एक होता है गर्दन पे छुरी रख के फिर खर्च करना। नहीं ऐसी बात ऐसा वाला नहीं, बच गया। नहीं नहीं बचा तो नहीं हूँ मैं, कटा तो हूँ मैं बोल नहीं सकता हूँ बाद में पूछो तो बता दूंगा। फेस्टिवल है तो बोल नहीं सकते पर ठीक है वो अंदर अंदर रखना पड़ता है, समझने वाली बात होती है। ये दो चीजें ऐसी होती हैं, एक तो शादीशुदा आदमी की जिंदगी और रक्षाबंधन पे जाने जाता हुआ पैसा। दोनों चीजों को आदमी हंस के सहते रहता है, साल में एक बार आता है। और शादी एक बार होके जिंदगी भर। बढ़िया, तो हम लोग इसी तरह से मस्ती में आपको जयपुर जाते हुए पूरा मार्ग दिखाएंगे और पहाड़ों के बीच में से खेतों के बीच में से गुजरते हुए जाएंगे। वैसे बढ़िया रहता सोलर सिस्टम। ये जो हमारा ट्रिप है ये रीयूनियन का ट्रिप प्लान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और जयपुर में हमारे कुछ दोस्त हैं उनको भी शायद हमारा मिलना हो जाएगा और अगर सब चीजें स्मूथ गई तो हम एक बड़ा रीयूनियन प्लान कर लेंगे यहाँ से। फिलहाल तो फिर से आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ, जल्दी मैं यहाँ पे अपना एक सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे आप लोग 3 days, 5 days, 21 days या 10 days के लिए कैंप में आ सकते हैं और आके जिंदगी में अपने बदलाव ला सकते हैं, एक शानदार घुमावदार बदलाव। लोकेशन मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पे कोई जमीन निकाल जाती है, दिल्ली के भी काफी लोग जाते हैं। कौन सा नारा कौन सा पता? हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा। अच्छा हारे का सहारा खाटू श्याम है हमारा, तो एक हो गई खाटू श्याम जी मंदिर और दूसरा चित्तौड़गढ़ वाला। नहीं कौन सा बता रहे थे? सर नहीं नहीं जो नहीं
सांवरिया सेठ मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ पे चोरों का बोलबाला है, मतलब चोर दिल से जो भी चोरी करते हैं उसका 10% वहाँ चढ़ा के जाते हैं और गारंटेड है वो कभी पकड़ में नहीं आते। सांवरिया सेठ, सांवरिया मंदिर की कृपा बनी रहती है उन पे। तो अगर आप भी चोर हैं तो आपके भी भगवान है, आप घबराएं ना, अगर आपको चोरी करने में भी अपना कैरियर बनाना है तो बना सकते हैं। तो स्कोप है, हर तरह के भगवान मौजूद हैं और तांत्रिक का, उसके लिए कोलकाता साइड में जाएं, आपको वहाँ पे अलग अलग तरह के तंत्र जादू टोना टोटका वाले मिल जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मौसम और बादल बने हुए हैं शाम का ये वक्त, और शोभित अपने बालों को संवारते हुए बट मेरी एक तो बता रहा है कि मेरे बाल तो अच्छी होगी नहीं अब तो हा? जैसे रोड वगैरह अच्छी हो गई है। अरे कमाल है यहाँ की रोड भी, और कई सालों बाद यार ये देखना इधर मतलब, काम दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई राजस्थान में, बिजली आना मतलब गवर्नमेंट का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन मेन पिलर अरेंज करके देना, जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट और क्या, पानी, बिजली, तीन चीजें आ गई तो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है। बाकी राजस्थान की जो तीन खास बातें, सबसे पहले तो राजस्थान जो फेमस है वो है यहाँ के रेत के लिए, पत्थरों के लिए, और रेगिस्तान के लिए, हाँ, और दूसरा यहाँ के मसालों के लिए, राजस्थान से मसाले भी बड़े दूर दूर तक जाते हैं, और तीसरा यहाँ के लोग हैं ना, कितने भी आदमी बड़ा बिजनेसमैन बने लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका मैनेज करता होगा वो कोई राजस्थानी होगा। ऑल इंडिया में मारवाड़ी, मारवाड़ी रॉक्स ऑन द टॉप्स। नहीं, मारवाड़ी तो प्रॉपर राजस्थान की है, जोधपुर साइड में ना। गुजराती तो एक्सेप्शंस निकल गए हैं, गुजराती कम नहीं, गुजराती बहुत ज्यादा है, गुजराती हैं, गुजराती बिजनेस के अंदर उतर सकते हैं, मतलब उनको बिजनेस स्टार्ट करने में, डेयरिंग करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ना बचपन से ऐसा बोल देते हैं उनके घर वाले, बोल देते हैं पहले कि भाई 10वीं कर ली है तूने, अब ये 5 लाख रुपए है, या तो कॉलेज कर ले या तो पान का गल्ला खोल के बैठ जाए, आगे का काम तू ही जाने। तो वो लोग बोलते हैं मेरा 5 लाख मुझे दे, और फिर वो लोग उतर जाते हैं शेयर मार्केट में। इसलिए जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है जो अपना इंडिया का, NSE, BSE, इसके अंदर जो टॉप में लीड करते हैं उसमें गुजरात, महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे है जिनका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में राजस्थान, और उसके बाद में अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई है तो शेयर मार्केट में काफ़ी लोग पैसा लगाने लग गए हैं, और आप भी अगर मार्केट में पैसा लगाएं तो ज़रा ध्यान से लगाएं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल नहीं कर सकता और रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और बाकी जैसे गुजरते ना तिब्बत, वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर वो छोटा है, ज्यादा बड़ा इतना हुआ। तो कभी अपने गांव भी घुमा फिर हम पठार देखे, क्यों नहीं, तो वहाँ आने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा? यही मतलब निम्बधान से सीधा भूतोई रोड पे कावट, आपका नंबर दे दो ना, सीधा आपको कांटेक्ट करके आ जाएंगे, आप घुमा दोगे। देखो अभी हम लोग रास्ता भटक गए थे तो हम यहाँ पे रास्ता पूछ रहे थे, तो यहाँ पे रास्ता कैसे बताते हैं, 2-3 अलग अलग तरीके हैं, शायद आपको कोई पसंद आ जाए। देखो थे सीधा सीधा जाए, सीधा 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 आगे जाके सीधा हाथ में घूम जाए, घूम जाए। अब कहाँ जाना है, कौन से हाथ में घूमना है, तुम अपने आप समझ लेना करके। और शोभित तेरा कौन सा तरीका है समझने का या समझाने का? यही भाई साहब, यही आता है। नहीं वो बता, तू पंजाबी स्टाइल में बताएगा? पंजाबी में पूछ लो। हाँ
भेज पंजाबी पूछे से गुजराती स्टाइल पूछो, दिल्ली वाली स्टाइल पूछ लो इसको। दिल्ली वाली बता, दिल्ली वाली बता। ए ब्रो टेक लेफ्ट नॉट दिस साइड, गो स्ट्रेट टेक लेफ्ट एंड देन राइट। ये तो भाई फॉरेन जाके आए, किधर जाके आए? नहीं ये दिल्ली वाले हैं। थाईलैंड गया था क्या? दिल्ली के अंदर ना दो टाइप की दिल्ली है। अच्छा दिल्ली में दो टाइप की है। एक पुरानी जमुना पार, एक जमुना पार और दूसरी कौन सी वाली फेमस है भैया? दूसरी साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली तो मैंने साउथ वाला बता दिया अभी इस टाइम। अच्छा यू नो मीन यू हैव टू रिमेन इन एटिकेट्स ब्रो, टेक राइट। थैंक यू थैंक यू, फिर थैंक यू भी बोलना था क्या? No bro, it's okay. एक गाजियाबादी भी है भाई। हाँ गाजियाबाद का बता ना, अब याद आया, अब जागा भाई, अब जागा। गाजियाबाद में ऐसे होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं वहाँ पे कोको कोला पेप्सी। जयपुर जाने वाला रास्ता यही है। मेरा मैडी भाई सबसे सेक्सी। हाँ 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 गुवाला ही बजा। अरे ये देखिए क्या खूबसूरत है, चलते जा। राजस्थान का पहनावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इधर ही पिटवा देते मेरे को, गाड़ी रोकते रहते बोले अच्छे से। और वो बोलती, अगर ये बोलते फिर गाड़ी रोक लेता। अरे बगा बगा। अरे बाप कड़ा के, अरे बाप कड़ी का बुरा आज। अरे फोटो खींच के जावा छोरो मेरा, मार ली फोटो की खींच ली। बहुत यूट्यूबर की लाइफ है ना, बहुत रिस्क की लाइफ होती है। कब सामने वाला तुम्हारा मर्डर कर दे पता नहीं चलेगा। सामने के पहाड़ कुत्ता यकीन नहीं तो भाव भाव। सूरी डार्लिंग रात ज्यादा घनी होगी, सूरी डार्लिंग। बस ये एक ही गाना सुनता है क्या? ये एडवांस वाले आ गए आजकल लिए। और ये जो हिप हॉप वाले आ गए हैं अब लड़के। हाँ अब वो वैसे नहीं है कि वो जो रागनी टाइप के पुराने वाले वैसे नहीं है। एक सॉन्ग वो भी है, नेंसन वाला सॉन्ग कौन सा है? हरियाणा वाला सॉन्ग। काम आके छू गए हरियाणा, इतनी कह लेकिन अभी मतलब लोकल सॉन्ग भी काफी पॉपुलर होने लगे हैं। वो जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। भाई वो अंकल जी का तुम क्यों वीडियो देख रहे हो? बेचारे अंकल जी। अरे भाई साहब किन का वीडियो बना रहे हो आप? ये देखो मेरे को फोर्स कर रहे हैं अंकल जी का वीडियो बनाने के लिए। अरे उनको नहाने दो आराम से। वो सॉन्ग सुना है अलबेले तांगे वाला? कौन सा अलबेले तांगे? अलबेले तांगे वाला पता नहीं एक सॉन्ग है, वो मुझे बस वो मैंने सुना है, वो भी इतनी लाइन पता नहीं पता भाई। शाम ऐसे में थोड़ा और मारते हैं, गांव में आए कुछ राय पे सीधे आते हैं लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा सुपर फास्ट होते हैं, तो अगले मोड पे और दे देंगे आपकी दिल की तसल्ली पूरी कर देंगे। अंकल ये कितने की गाड़ी है? 11। ये 7 सीटर है? 7 सीटर भाई, बेकार है गाड़ी यार, इसमें छेद नहीं दिए ऊपर निकलने वाला मुंडी वाला है, फिर क्या फायदा है यहाँ से मुंडी नहीं निकलेगी फिर काम कैसे होगा? नहीं यार ये हो गई टॉप वेरिएंट में रहती है वैसे। टॉप वेरिएंट में उन्होंने पैसा बचा लिया ना मटेरियल कम करके। ये आ गए हम 7 सिस्टर्स में, यहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हैं। लिस्ट में है क्या? देख लिया, मजा नहीं आया उसमें। यूनिना इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, इन पे तो ट्रैकिंग करने के लिए नीचे से रस्सियाँ डाल डाल के चढ़े ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा।
मैं यहाँ पे नीचे उतर के देख रहा था कि खाने को क्या क्या है, और साथ में यहाँ पे पेड़ों के नीचे इंतज़ार करा जा रहा है बसों का, और हमारी गाड़ी भी आ गई है। हमारे साथ ज़रा खेल करा जा रहा था ये सब लोग मिलके मेरा प्रैंक करने की कोशिश में थे कि कैसे इन्हें चलाया जाए। हाँ, बहुत छोटा सा प्रैंक तो कितना बड़ा करना चाह रहे थे यहाँ से जयपुर तक पैदल हम ऐसा वो पीछे गुड़िया भी जाग गई है, हंस रही है भी काट नदी है काटली। चाय लवर नहीं है, चाय लवर तो उसको बोलते हैं जो टाइम से चलता हो। ये रात में 2 बजे आ जाते हैं चाय पीने के लिए, चलो चाय पीते हैं। चाय लवर तो है, एडिक्शन है, एडिक्शन। वो अंकल जी के चाय पीने की तलब लगी भाई साहब, रात को 1 बजे चल दिए दोनों भाई निकल के। भाई साहब चाय के अंदर बैठी भी ऐसे इनकी हाथ की, जिन्होंने चाय पी ली ना फिर तो वो पहुंच ही जाएगा पीने बैठी के हाथ की चाय पी। हाँ उसमें क्या है, मैं थोड़ा गांजा भी ला देता हूँ तो नशा ऐसे चढ़ते बोलते है, ऐसा नशा तो आज तक कहीं नहीं चढ़ा था। कुछ लोगों को हो जाता है एक जगह का चाय का स्वाद आ जाता है ना, तो पोषण मिलता है उस विवाद में। वो पोषण पोषण ना 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 ना, ऐसा नशा नहीं मिला सकते, मिलता है वो भी पोषण मिलेगा। नहीं नहीं ये कहने की बात है, नहीं मिला कहने की बात है। एक फिल्म आई थी कौन सी आई थी वहाँ, तो मैं मतलब वो पंजाब में एक वो ढाबो सावे, तो भी वो ढाबो बहुत तगड़ा फेमस हुआ, वो चिकन बनाएगा चिकन बिरयानी, तो वो मैं कुछ मिलाया करता था वो। अब वो बुड्ढो मरगो पर वो राजवी की गंदी हुई पोता वोता सब करता यार थे, कोई मिले को नहीं तो बड़े जो सिगरेट पी रही पोस्त वाली, तो वो दांतों को दिखाओ वो कागलो मर गए दांतों को, अब वो कागलो झपट मारे बस सिगरेट छूट के भी अंदर पड़ गई जो सब्जी में, फिर वो बड़ी खुशबू आई सब समझ गया हाँ यार यो चक्कर यो इतनी टेस्ट में नहीं करती सब्जी। वो तो ये तो कहानी होगी मतलब वो तो फिल्म ये की कहानी तो क्या पता है, अच्छा कहानी थी क्या ये फिल्म की कहानी है तो आप लोग इसको सीरियसली ना लें। ये हम असली चाय की बात कर रहे हैं और ये हमको कहानियों में उलझा रहे हैं। देखो ये फिल्म की कहानी है, फिल्म की कहानी थी, सस्पेंस तो ये था। तो चाय का डब्बा आएगा नहीं आएगा आज, आज तो आएगा। राजस्थान और गुजरात में ये डिफरेंस है, गुजरात में क्या मतलब राजस्थान को छोड़ के अदर स्टेट में देखते हो ऐसे हाईवे पे तेरे कुछ न कुछ अच्छे अच्छे ढाबे मिल जाएंगे। गुजरात में तो वो फापड़े गाठिया खमन और कुछ नहीं तो कुछ तलता हुआ मिल जाएगा। पर यार ये बात है गुजरात के अंदर अच्छा लगता है नहीं, खाना अच्छा नहीं है लेकिन मीठा मीठा वो खाने में वो इतना क्वालिटी में मजा नहीं आता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना सब लोग अपॉर्चुनिटी बना के रखते हैं करके ऐसा कि यहाँ पे अपने पुराने जो है ना रेस्टोरेंट उस लेवल के बनाते नहीं है लोग। हाँ। तो राजस्थान का फूड बहुत अच्छा है, अगर लोग अच्छा क्वालिटी वाला फूड डालना शुरू करें ना अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो जाए इन लोगों का। चाय की थड़ी तो फेमस है नकली की पकड़ा दुनिया भर को, और भैया बहुत बड़ी पार्टी है तो ये ऊपर पिता फेंका ही, और ये सोडानी वाला ने पकड़ा ये भी ऊंची पार्टी है, इनके एक्सपायरी का मसाला मिला रावत वाला कहीं मैं मिला मोरे तो बहुत बड़ी बात। हाँ ये अंकल मिला है ये, जबकि बहुत बड़ी पार्टी है, यानी असल पर नकल भारी है। मतलब डीमार्ट के अंदर हर दूसरी चीज इतने डुप्लीकेट मिलेगी, हर दूसरी चीज डीमार्ट में। हाँ क्योंकि यार वो फूड इंस्पेक्टर उसको पता है, मतलब तो यार
वो खुद बताया मैंने बोले हो भी सके यार मखौन पड़ेगी हर चीज ब्रांड का वो नहीं रहता। अरे ब्रांड ब्रांड का ऐसे नकली आएंगे कि एक दिन छाप दे तो पता है कौन सा नकली है कि असली है कि वो। अच्छा पतंजलि वाले ने भी तो किया था पतंजलि वाला तो प्रोटेक्टिंग वाला तो कुछ आएगा था तो क्या बताओ जी वो बात तो यही कर देते कि हाँ भाई मार से पड़े कोई को नहीं आता बहुत मतलब क्वालिटी एकदम डाउन। हाँ पूरा एकदम डाउन क्वालिटी। शाम के 5:30 बजे और बारिश का मौसम बन गया है, बारिश हो रही है, साथ में हम लोग यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय पीने के लिए रुके हैं। यहाँ पे हमारी चाय तैयार होते हुए और यहाँ पे कुल्लड़ एकदम तैयार है और साथ में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ की मिठाइयाँ, ये है पेड़े यहाँ के बहुत ही फेमस पेड़े और ये है गुलकंद जो कि भूरा भूरा होता है थोड़ा सिका हुआ ज़्यादा होता है और ये यहाँ की नमकीन बड़ी फेमस होती है रतलामी नमकीन। चाय में मीठा डाल देना, दो में मत डालना, थोड़ा भी नहीं डाला है चाय में, अगर मीठा नहीं तो फिर वो चाय मजबूरी है। अब मजबूरी हो गई इनकी, बुढ़ापा आ गया है, 20-20 के 3 हो गए हैं है ना। समझ नहीं आया वो सोनाक्षी वो तो प्यार था भाई, वो तो प्यार था नहीं सानिया मिर्जा वाली सी बात होगी, थोड़े दिन बाद तो होता है 2 साल बाद में भेज देंगे कि वो प्यार खत्म हो गया भाई प्यार देखना तो अपने वो नहीं है क्यों सचिन मीना उसका प्यार था भाई साहब, लड़की 4 बच्चों को साथ लेके आ गई और क्या चाहिए और तो ना एज गैप तो उसमें एज गैप है अब देख लो कितने साल की लड़की हो रहे तो वो सचिन मीना कौन वो ये बात कितने वर्षों बाद बहुत टाइम यार पता नहीं। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, यहाँ तो बारिश का वक्त है अभी भाई। आज तो बंदे ने बहुत आज इतना लड़के करके कह रहा भाई पापा मैं वहीं छोड़ कह रहे कह रहा नहीं कचौड़ी तो मैं लेके जाऊंगा ही आज कचौड़ी प्याज वाली मैं तो पता नहीं क्या बोल रहा लड़के से गड़के कि यहाँ पे मैं आंटी जी को मिला इतने टाइम बाद में और आंटी जी बोल रही कि दाढ़ी जो है सही नहीं है हटाओ खास तौर से तो अंकल जी को पसंद ही है ना अंकल जी दाढ़ी ठीक है ना दाढ़ी अच्छी लग रही है नहीं ऐसे तो लग रही है पर अभी दाढ़ी बढ़ाने की उम्र नहीं ठीक है आप बोलते तो अगली बार कटा के आता हूँ फिर हमारा नाश्ता रसमलाई और चल जाएगा देखो सुबह सुबह हम इसको दिखा रहे हैं खिला नहीं रहे सही था ना भैया सामने से ऐसे लेके आओ चू लेते हुए क्या खाएगा नहीं खाएगा खाएगा नहीं खाएगा हम खाके बताते हैं मीठी कम है मीठी है फिर ले लूंगा भाई एक काम कर पानी डाल के देख बाकी मीठी कम है अब चेक कर एक प्लेट और मंगा लेते एक प्लेट ली भैया इसी में से खावा खाई लेता नहीं भैया मत मंगाओ। तो रात भर पुराने दिन याद करते हुए हम लोग सुबह में निकले जयपुर की इन गलियों में कड़ी कचौरी खाने के लिए सुबह का नाश्ता आज की कड़ी कचौरी। वैसे मेडिकल रात को जितनी भी हमने वो किया एक दूसरे के लिए क्या करा मतलब सबके बारे में जो हमने बैक पिचिंग की ना भाई बहुत बढ़िया आ गई थी इतनी चुगली हमने कल रात को की इतनी चुगली की बाद में सब कान बंद करके सो गए मतलब मेरे पुराने दोस्त मिलते हुए चुगली करने का जो मजा आता ना भाई और ये लोग जो रियूनियन में बार बार जवाब भी नहीं दे रहे ना उन की चुगली करने में जो मजा आ रहा था ना अलग है उसका तो मजा ही लगता पर... चुगलखोर टीम पर तू चुगली काम करा कर भाई अच्छा तू इतनी चुगली कर है ना इसीलिए तेरे को शुगर का प्रॉब्लम
तू बहुत मीठे का मजा नाम लेके करता हूँ, वैसे गलत करता हूँ भाई, नाम नहीं लेना चाहिए। मैं नीरू का कितने बार नाम लिया मैंने। तूने नीरू का नाम लिया? प्रभा का भी नाम लिया था मैंने। नीरू को लेके क्या बोला था? लेकिन नहीं पता तेरे को, लोड नहीं लेना भाई। हाँ यार, ये नीरू भी बहुत परेशान कर रहा है ना यार, दिल्ली छोड़ के वहाँ गई नोएडा, फिर भी नहीं बुला रही। बुलाती है पर आती नहीं। हाँ, कहती केप टाउन केप टाउन। मैं ये पूछता हूँ कौन सा वाला, नोएडा वाला केप टाउन है साउथ अफ्रीका वाला? अरे अरे भाई संभाल के, हम लोग संभाल नहीं तो एंजॉय कर। वो लोग नहीं आए तो ठीक है। प्रभा ने तो क्या ही करा इस बार, है ना? ये एक्चुअली क्या लगता है, इस बार ये रीयूनियन जो डिले हुआ उसका रीजन कौन, नीरू या प्रभा या दोनों? ये राजकुमार कंक्लूड कर रहा है, चुप हो गया। रात में तो क्लैरिटी के साथ बताया था इसने, पॉइंट टू पॉइंट लेके बिना पिए वो भी। एंथनी का और किसका इसने क्लैरिटी दी थी साथ में, विनय की। सुमेर को तो इसने छोड़ दिया है, बोला सुमेर तो अपना भाई है। उसको तो क्या है, वो थोड़ा सा इधर उधर मैनेज करता है, तो सुमेर को जाने दिया। इंतजार से डर गया है, बोला यार इंतजार का भरोसा नहीं, ठोक ठाक दे तो है ना। तू तो इंतजार की शादी में गया था ना? हाँ, मैं उसकी बहन की शादी में उसे इनवाइट किया। अब उसमें मैंने ये पढ़ा नहीं कहाँ पे गया, मैं तो उसे घर पहुंच गया, देखा ताला लगा हुआ, फिर मैंने फोन किया इंतजार को, कह रहा वो तो वहाँ पे चूरू में है। मैंने कहा भाई चूरू हो गया, सरप्राइज दे रहा हो गया राजकुमार। तू फिर फोन में लग गया, रात में भी बात कर रहा था, किससे बात किससे करते रहते तू, इतना घबरा था क्यों ये बता, हर मोमेंट का जवाब देना होता है तुझे। तो यहाँ पे हमारी कड़ी कचौरी भी आ गई है, और हमारी शुरुआत तो रसमलाई से हुई थी लेकिन वो जा चुकी है अंदर जा चुकी है। तो बताओ कैसी है कड़ी कचौरी? ये हमारे फूड के एक्सपर्ट हैं, स्पेशली बुलाया गया है इनको अहमदाबाद से। और ये डायलॉग मारेंगे हिंदी में, दिल्ली वाला एक नंबर है, एक नंबर एक नंबर है। तो भाई अहमदाबाद वालों ने दिल्ली वालों का डायलॉग मार दिया, दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली वालों का डायलॉग ये है भाई साहब, कोको कोला पेप्सी हमारा मैडी भाई सबसे सेक्सी। तो नर्मदा परिक्रमा के बाद में जो मेरा वीडियो देखेंगे ना, यू ही नहीं बोलता कि दिल्ली वालों पे भरोसा मत करो, आप समझ रहे हो ना। प्लाट व्लाट के चक्कर में घूमे पूरे मैं दिल्ली वालों, यहां पे काम में प्लाट वीडियो बना रहा हूं भाई, सो भी देखे ना, ग्रुप फोटो ले देना हमारे भाई। और यहां पे मैं स्पेशल चाय बनाते हुए दोस्तों के लिए। मैं आप जाओ। अरे तू अच्छा आप जाओ। So how was the reunion? सब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। Yes. Sexy. नहाने की भी चिंता लेकिन आज अच्छा दिन रहा, मतलब खाने की भी टेंशन नहीं है, और बारिश का मौसम बना हुआ था, और आज बंद भी था, और आज 11 भी था। आ गया टाइम निकाल के उदयपुर से, अगली बार उदयपुर में रीयूनियन फाइनल जरूर होगी, जरूर होगी। एक वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट गाड़ी में पकड़ के ले जा रहा हूँ, और ये हमारा कैमरामैन बुक हो गया है। चल डियर बाय। चारों लगे रीयूनियन में जा रही तो थे आप लोग? हाँ, तो बीच में आ जा। तो मैं तो भाई सब वही हो गया ना, कैमरामैन समझो जो ये सारी चीजें बता रहा है, ऑडियंस समझ लो। पर ऐसा सही लगता है ना, मतलब मिलते रहे और पुरानी यादें ताजा होती रहे, पुरानी यादें ताजा, या फिर कुछ नई नई इंफॉर्मेशन, सब तरह की बातें। हाँ। सबका अपना सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, और सबकी अपने अपने एक्सपर्टीज हैं, तो सब अपने इनपुट डालते हैं, तो मजा और आता है कॉन्वर्जेशन में ना। वन वे कॉन्वर्जेशन नहीं था, मतलब मल्टी एस्पेक्ट सब टच हो गए थे, करंट में क्या चल रहा है, और
कहाँ से आए थे, कैसी टाउनशिप थी, कैसी लाइफ थी। जबरदस्त, मैं तो देख के खुश हो गया भाई। इसे कहते हैं रीयूनियन एक्चुअल। एक होती है जिसमें सब लोग शो ऑफ करने आते हैं, ये दिस एंड दैट एंड ब्लैक एंड ब्लू, और एक होती है जिसमें रियलिटी ऑफ डिस्कशन, हम क्या कर रहे थे, क्या था, किसने किसको मारा, किस बिल्कुल देसी तरीके से, मतलब जो है फुल देसी। कमाल की बात ये है कि मतलब जैसे है आज भी वैसे ही है, बिल्कुल वैसे मजा आ रहा है मतलब मिलने का। किसी ने कोई वो चीज नहीं दी देखी, मतलब ऑल इज प्योर हार्ट डिस्कशन, ऐसे अपने पुराने टाइम का What was that? मतलब मजा आ गया यार ऐसे सुन के, किसने क्या कहा, किसको क्या क्या किससे करे थे सबके अपने अपने किस्से सभी मास्टरों को पकड़ पकड़ के सबके नाम ओपी यादव भगवान जाने कहां कहां से अरे सुअर सब आ गए भाई साहब। पारिक सर को याद कर, पारिक सर अरे टीचर कितने खड़ूस थे और कितने अच्छे भी थे, जिनके वजह से डिसिप्लिन मिला और लाइफ इज इंदिरा पुनिया मैडम भी बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती थी, और वो बता रहे थे वो ऊपर भी बैठ जाती थी मुर्गा बना के कमाल का टाइम था, कमाल ही था। हमारा स्कूल टाइम याद कर लिया, पेरेंट्स का, अभी का करंट लाइफ कैसा है चल रहा है, और मतलब वो तो हम लोगों ने तो बिल्कुल हैप्पी वाली जिंदगी जी है, स्वर्ग वाली, और साथ में पॉलिटिकल पॉइंट्स भी टच हो गए, पैसा ब्लैक मनी कैसे सेट करना है, टैक्स कैसे बचाना है कितना टैक्स बचाएगा भाई, टैक्सेशन का तो भाई भगवान मालिक है, सीतारमन तो वही 3 लाख पे कर रखा है, 5 लाख तक कर दे तो बहुत बेटर। यारा का फोन आ रहा है फिर से, क्या हो गया, मिस कर रहे ज्यादा ही, बंद कर दो पहले लगाओ। देखो हमारा बच्चा पीछे जो खुश हो गया है बैट ला आगे और ये अब खेल रहा है भाई भाई मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे हमने खुदते नहीं बचपन में वो पूरा वैसा। अरे वाह बैट के टेटा बेटा ही भाई ये इसका एसयूवी का दूसरा आता है बड़ा वाला इसका भाई क्या होगा इसके बच्चे का, कियांग का, ये कियांग का बैट छीन के लेके आ गए हम यहाँ रीयूनियन की प्लानिंग कर रहे हैं और ये भाई साहब देखो बच्चों की तरह खेल रहे हैं पीछे और ये था हमारा एक छोटा सा ट्रिप जिसमें हम 4 पुराने दोस्त कई सालों बाद में मिले, और उम्मीद है बाकी के हम क्लासमेट्स भी जल्दी मिलेंगे और एक अच्छा सा रीयूनियन प्लान करेंगे। कौन कौन इस रीयूनियन में आना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कनेक्ट करें और बने रहें हमारे साथ।